हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूँ हनी, इस चैनल की होस्ट और आपकी दोस्त। और आज मैं लेके आई हूँ न्यूड कैरेट सीड हाइड्रेटिंग लोशन। तो फ्रेंड्स, इस हाइड्रेटिंग लोशन में ऐसा क्या स्पेशल है? तो फ्रेंड्स, इसमें है कैरेट सीड ऑयल। कैरेट सीड ऑयल हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। आप देख सकते हो मेरे स्किन में काफ़ी कोलेजन है, तभी ये इतना ऐसा है। जिनके भी फेस में कोलेजन नहीं होता है तो यूथफुलनेस चला जाता है फेस का। अब ये कैरेट सीड ऑयल जो है वो क्या करता है? कैरेट सीड ऑयल हमें बचाता है हार्मफुल यूवी रेज होती हैं, जो सन रेज से आती है, वो हमारे फेस की कोलेजन को ब्रेक कर देती हैं, जिससे कोलेजन ख़त्म होने लगता है और हमारे फेस की एजिंग होने लगती है। मतलब बहुत कम ही ब्रांड्स हैं जिसने कैरेट सीड ऑयल को अपने प्रोडक्ट्स में यूज़ किया है। मतलब न्यूड उन कुछ ब्रांड्स में से है जिसने कैरेट सीड ऑयल को यूज़ किया है अपने प्रोडक्ट में। तो ये है लोशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, लुक एट द पैकेजिंग। आई वॉज सरप्राइज टू सी द पैकेजिंग, लाइक एप्पल फ़ोन। सारे लोशंस का एप्पल फ़ोन है ये, मतलब इतना ज़्यादा प्रीमियम है। जस्ट लुक एट दिस, सो प्रीमियम। एंड लेट मी ओपन इट। ये ओपन भी ऐसे होता है, जस्ट लुक एट दिस। ये लीफलेट एंड देयर वी गो विद द लोशन। तो फ्रेंड्स, ये है लोशन। दिस इज ऑफ 300 ml। एंड फ्रेंड्स, इसमें सबसे बड़ी बात, इसमें कोई भी पैराबेन नहीं है। लेट मी टेल यू क्लियरली, इसमें SLS नहीं है, फैलेट्स नहीं है, पैराबिन नहीं है, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल नहीं है, फॉर्मल डिहाइड नहीं है, डायथेनालमाइड नहीं है, डायक्सिन नहीं है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट नहीं है, आर्टिफिशियल कलरिंग नहीं है एंड फ्रेग्रेंस नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऑल एंड ऑल इसमें कुछ भी टॉक्सिक नहीं है। व्हाट मोर वी कैन एक्सपेक्ट, वॉट मोर वी वॉन्ट। ये मेरे स्किन में मुझे बिल्कुल भी ऑयली फील नहीं हुआ है। बहुत ही मतलब लाइट सी फीलिंग आई है मेरे स्किन में। अच्छा, मैं इसका कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। ऐसे कंसिस्टेंसी है और बहुत ही माइल्ड सी, लग्जूरियस सी एक फ्रेग्रेंस है। एंड लेट मी शो यू, ये मतलब अमेजिंग है फ्रेंड्स। अगर इसे हम यूज़ करेंगे ना, तो मतलब हमारे स्किन में कोई भी डैमेजेस नहीं होगी, स्किन रिपेयर होने लगेगी और वी विल हैव मोर यूथफुल स्किन। जस्ट इमेजिन। तो फ्रेंड्स, ये लोशन डीपली पेंट्रेट करता है, नरिश करता है, टाइटन करता है और सपल कर देता है स्किन को, प्लम कर देता है। फ्रेंड्स, प्लम और सपल और टाइट तभी होता है जब हमारी स्किन में अच्छा खासा कोलेजन प्रेजेंट हो। सो फ्रेंड्स, आई हाईली रिकमेंड यू दिस लोशन। दिस इज अमेजिंग फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, बहुत फास्टली एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में। बहुत ही प्यारा सा एक स्मूथ फीलिंग आती है, वेलवेटी फीलिंग। मतलब इट्स अमेजिंग। मैं इसको कितना आपको बोल सकती हूँ, जितना मैं आपको रिकमेंड करूँ, ये उससे भी ज़्यादा अच्छा है। मतलब यू नीड टू ट्राई दिस टू फील व्हाट आई एम फीलिंग। फ्रेंड्स, ये 300 ml का है और इसका प्राइस 600 है, बट दिस इज़ वर्थ इट फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, टोकोफेरॉल फाउंड इन कैरेट सीड ऑयल मॉप्स, मतलब वो सारे के सारे फ्री रेडिकल्स को हटा देती है स्किन में से, और जितने भी रिंकल्स होने की चांसेस होती है वो सब रुक जाती है, जितना भी स्कार होना होता है, जितना भी निशान है वो सब कम होने लगते हैं, हट जाते हैं, जितने भी स्कारिंग है वो कम हो जाती है, इचिंग है, एंटी फंगल है ये, जितना भी फंगल इन्फेक्शन या कुछ भी ऐसा है तो वो सब निकल जाता है। मतलब ये हमारे स्किन को हील भी करेगा, हमारे स्किन को डैमेज होने से रोकेगा
और हमारे स्किन को जितना भी बेनिफिट मिल सकता है वो सब कुछ इसमें से मिलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये एक प्रोटेक्शन देगा हमारे स्किन को कि मतलब यूवी रेज से डैमेज ना हो। और फ्रेंड्स इसके रेगुलर यूज़ से हमारी स्किन स्मूथ, सपल और सॉफ्ट हो जाएगी, मतलब कोई निशान नहीं होंगे, कोई दाग धब्बे नहीं होंगे, कोई अगर आपके स्किन में इरिटेशन है, फंगल इरिटेशन है, इचिंग है, कोई भी ड्राई स्किन और स्कार है और मतलब कोई वून का निशान है, वो सब कुछ हट जाएगा इससे। मतलब हम अलग अलग ट्रीटमेंट यूज़ करें तो वो सब कुछ हमारे लोशन में ही है। इज़न्ट दैट अमेजिंग? मतलब मैं इसके बारे में जितना भी बोलूं वो कम है फ्रेंड्स। अगर आप लोशन आगे ख़रीदने वाले हो तो डू गिव इट अ ट्राई फ्रेंड्स। इसे हम फेस पे भी लगा सकते हैं और बॉडी पे भी, अपवर्ड स्ट्रोक में यूज़ करना है। सबसे पहले हम फेस वॉश करेंगे। जैसे ही हम फेस वॉश करके पोंछते हैं, मतलब जब हम उसको पैट करते हैं स्किन को, पैट करने के बाद हल्का सा मॉइस्चर रहता है स्किन, अगर उसी टाइम तुरंत ही ये मॉइस्चराइज़र लगा लें तो हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ, सपल और सॉफ्ट हो जाएगी। मतलब जैसे ही हम कोई सीरम लगाते हैं तो स्किन प्लम्प हो जाती है। सेम इज़ व्हाट दिस लोशन हैज़ डन। अभी तक सिर्फ मैं अपने फेस को ही मतलब लोशन, सीरम और ये सब कुछ लगा रही थी, बट आफ्टर यूजिंग दिस आई एम फीलिंग लाइक कि मैं अपने पूरे बॉडी को कुछ ज़्यादा अटेंशन, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रीमियम केयर कर रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा केयर कर रही हूँ। मतलब माई स्किन हैज़ बीन ग्लोइंग आफ्टर यूजिंग दिस विदाउट मेकिंग मे फील ऑयली। इसमें एक चीज़ इसमें दिखाना भूल गई थी कि इसमें ये पाउच भी आता है फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऐसे करने से लॉक हो जाता है, मतलब आप इसको दबाएंगे तो इसमें से प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, और ऐसे करने पे आप प्रोडक्ट निकलेगा, तो इसे ऐसे लॉक कर सकते हैं। इज़न्ट दिस अमेजिंग? इसको ऐसे लॉक कर सकते हैं और इसका एक अपना पाउच भी है जो कि वाटर प्रूफ है। लाइक कम ऑन फ्रेंड्स, कहीं ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं तो दिस इज़ अमेजिंग, लुक्स सो लग्जरियस। मतलब कम ऑन फ्रेंड्स, हमारे एक मॉइस्चराइज़र के लिए एक सेपरेट पाउच। फ्रेंड्स दिस लोशन इज़ अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट एंड ऑन न्यूड्स वेबसाइट, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करूँगी। एंड आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल दे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। आज के लिए बाय।